अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट कोकोनट बर्फी। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए होगा। तो ये हमने एक कटोरी के करीब मिल्क पाउडर लिया है, ये हमने 2 चम्मच के करीब देसी घी लिया है, ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, काजू और बादाम को बारीक काट लिया है, ये हमने आधी ग्लास के करीब दूध लिया है, अगर अंदाज से देखा जाए ये तो 100 ml के करीब होगा, और ये 1 कटोरी के करीब नारियल का बुरादा लिया है यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, और ये हमने चीनी ली है। चीनी थोड़ी सी हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि हम मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी चीनी होती है। तो चीनी हमने अंदाज से देखी जाए तो 100 ग्राम के करीब ली है। आप जैसा मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, गैस पर कढ़ाई रख देंगे और उसमें सबसे पहले हम घी डालेंगे 2 चम्मच के करीब। अगर आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, हमने देसी घी का यूज़ किया है। तो इसको मेल्ट होने देंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और मिल्क को भी गर्म हो जाने देंगे। तो ये देखिए दूध भी गर्म हो गया, अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। तो अब हम इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर जब ऐड करें तो गैस का फ्लेम लो कर लें तब ऐड करें, या तो आप गैस बंद भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मिल्क पाउडर हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है और जो इसमें लम्स हैं उनको हम इस तरह से करके डिजोल्व कर लेंगे चलाते हुए, जिससे कि लम्स जो हैं इसमें डिजोल्व हो जाएं। तो लम्स भी हमारे डिजोल्व हो गए हैं। अब हम इस स्टेज में ऐड करेंगे नारियल का बुरादा और इसको ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें नारियल का बुरादा मिक्स कर लिया है और ये देखिए मिक्सचर भी हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1-2 मिनट और इसको ऐसे चलाएंगे जिससे कि थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाए। अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, और इस पे घी लगा लेंगे अच्छे से चारों तरफ। तो ये घी हमने लगा लिया है, अब जो मिक्सचर है उसको इस पे फैला देंगे। तो ये देखिए, और इसको इसमें सेट कर देते हैं। तो ये देखिए इसको हमने प्लेट में फैला लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आप जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करें वो डाल सकते हैं। तो हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, और इसको सेट होने के लिए हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे, और रूम टेम्परेचर पे भी आप 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो ये सेट हो जाएगी बहुत अच्छे से। सेट होने के बाद आपको पीस कट करके दिखाते हैं। तो अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं, हम चौकोर पीस कट करेंगे। तो ये देखिए हमारी इंस्टेंट मिल्क पाउडर बर्फी बनकर तैयार है, लग रही ना बहुत ही टेम्परिंग। तो देर किस बात की, आप भी इसे घर पर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।